जय श्री राधे, जय निताई। श्री हरिनाम प्रेस की ओर से मैं हेमांग कृष्ण नांग्या आप सबको प्रणाम करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साधुवाद, प्रणाम। जय श्री राधे, जय निताई। में परिहास होता जा रहे हो, गोपीनारायण ने भी जागरण में सुनी है, आत्मानं भूषणं चक्रुः वस्त्रकल्पाञ्जनादि भी धारण द्वार द्वार पे आए के तेल दे बहु जी और सुओ के जागो। कल अर्धरात्रि में नंदरानी में लाला को जन्म भयो है, सभी गोपी कह रही है, बोले अभी धारण थाली रहती थाली रहे, खाली हाथ मत जा, अरे मैं आखत पर ले जा। ये बोली मोह तो सबने ब्रिज में नौ को देने के ताई जाऊ न हो, ऐसे आखत लिए कहाँ कहाँ डोलूंगी, अब के सू दो सू तिल जो मैं मांगने वाली ना हूं, अब के तो बड़ी नीच घड़ी आई है, रत्नन की बिता लूंगी, मेरे धनी को बाबा ने दी और गारा, कभी मेरा धनी आएगो गारा लेके सवन सू उठाई के बधाई ले जाए। सब बातें में कहे अरे ऐसा तो मत जा, दो चामच पर ले जा, कछी न कछी जाके मुख में छूटी दे में कछी न कछी जाके बधाई दे ही दे, ये वहां ही रख जाए, बोले मेरी ये चीज रखी रही है कल ले जाऊंगी, ऐसे कह के ये आगे बढ़ रही है। गोपीनारायण ने सुंदर श्रृंगार धारण की ने आत्मानं भूषणं चक्रुः अपने आप को सजाती हुई विराजमान हो रही है। आभूषण को कहा वर्णन किया जाए, अंगवट बीछिया चुटकी फुलरी छपाक पायन पाए झाझर सांत पंचमेल बांक गुजरी जेहर कमर गोद कोदी गठकंदन झूमर मोहन माला तारा चंद्रहार पंचलड़ी चंपा कली तिमनिया पचमनिया कसरी गुलीबंद कटहल हमेल हसलिया लड़ी कंठसरी गुलीबंद मोती के छल्ला आरसी अंगूठी हथफूल हथसांकरी मोगरी पहुंची करवा पहुंची बोलला गजरा मोती के छंद पछहरी बछा बाजू ठसरा बाजू बरा करेला झूमक छेड़ी चंद्र का कर्ण फूल बाली दामनी खिरल बेत बेसर नथ बेसर बंद बेनी पांग राखनी जलाऊ नथ भलका राग नथ कड़ा केत की नागमनी सूबिया इकलरी दुलरी तुलरी पचलरी तीन तमका धारण करके सभी गोपी का ग्रहण बता रही है। स आत्मानं भूषयामि चक्रुः, इस दवन में अपने आप को भूषयामि चक्रुः अपूर्व सजाए के ये सब की सब पधारी। सोने आभूषण तो बड़े प्रसिद्ध वो तो नित्यानी पहनवे के, और आज तो विशेष अवसर है तब तो विशेष आभूषण जो है उनको धारण करके जो पधारी है, हाथ में छठियावर की जो सामग्री है वह तो जिनने अपने हाथ में अपूर्ण रूप से सजाए के ले रखी है, सुंदर सुंदर वस्त्र मखमल अतलस गुलबदन धूल कपूर बुकने मैंसूर डोरिया चारखान जालीदार चादर ले गुमठी सब प्रकार के जो वस्त्र हैं उनको धारण करके ये विचित्र रूप से पधारी है। थावन में केशर कुमकुम बालक के सब ऋतु के वस्त्र ढोला लाल कुलही फलगुल दुलाई ओढ़नी रजाई गादी गदोला पीतांबर गेदुआ कंठ हसली बदनखा कर पहुंची कट किंकणी रुनक झुनक तेजिनी क्षुद्र घंटिका तुतई बंटा झारी कटोरी तवकड़ी आरसी झुंझुना फिरकी लहटू बंगी चकई गुड़की ढोलक बैशी पाठ खोदना गेंद हार
हाथी घोड़ा तोता शेर हरिण सब प्रकार के खिलौना इन सब उनको सजाए झालर में बांटने के ताई लुटाए के ताई सभी मेवान को लेके खेली लुटाए के ताई अलग से लेके श्री यशोदा नंद इनके सवरे आभूषण को वस्त्र को लेकर सब वास्तव में आनंद पूर्वक पधारी बधाई गाती जाए कि जगमोर ब्रजराज ग्रहण सखी गोकुल बाला अरे सखी आज हम ब्रजराज के भवन की ओर पधार रहे हैं जिनकी केश पाशु मल्ल का माधुरी के पुष्प न्यारे बिखर रहे हैं जो नंद भवन को सामने देखो उड़ी चली जा रही है बालक पीछे सु घिसटते भय पंग पकड़ के पीछे पीछे तो न्यारे आ रहे हैं बाबा थोकती न्यारी है जल्दी चल पीछे को पड़ रहे हो रह जाएगा ऐसे कहे थोकती न्यारी जा रही है बालक घिसटते भय आगे चले जा रहे हैं जो उड़ी भई नंद भवन की ओर चली जा रही है जो नंद भवन पहुंची बाबा को ऊंचे सिंहासन पे सामने विराजमान देखे सब ने घूंघट नीचे कर लेने हाथ जोड़ के बाबा को प्रणाम करें बाबा अंजलि बांध के सबको स्वागत कर रहे हैं कहीं पथारो 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 रास्ता करवाई कोई भीतर रास्ता करो रास्ता करी सब गोपिकागर वास्तव में जो अंतपुर में यशोदा जी के पास में पहुंची सब ने अपने अपने घूंघट पलट लीने यशोदा को देख के बोली अरे यशोदा बड़ी एक में बैठी है अनोखों का तेरे ही लाला भरोड़े का यशोदा जी कह रही है बोल गोपियों तुमने यमुना पूज गोवर्धन पूज ब्राह्मण पूज लाला चाहो है तुम्हारो ही तो है सबरी वास्तव में आशीर्वाद दे रही है कह रही है लाला को मोरो को दिखा यशोदा जी जो पीतांबर पलट के लाला को मुख दिखाए वो चाहे घाय आगे आई बोले ऐसी लाला को मोड़ो देख लोगी का पहले मेरे ठीक रहा तो मेरे तो मिल जाए सब बोले अरे वो तो मिलेगा इकट्ठो बोले जो ये कहे कि इकट्ठो करेंगे वो कछु ना करे पुरानी कहावत है कि ब्याज भालो दक्षिणा और पीछे मिले कछु ना जैसे हमें बधाई पा नकद की हो बधाई कब कभी उधार में ना चले बधाई तो मैं नकद में लूंगी बोले काम आगे बोले नंद रानी ने अठमासी के दिन जो चंद्र हार धारण कियो वो मैं लूंगी यशोदा जी ने आए आए देखो तो सही कैसी बाबरी हो रही है अरे वो तो घर की निधि वस्तु है वो हार कोई कम मोल को है का वो तो बड़ी मोल को है घर की जो बड़ी बहू हो बापू मिले बापू दिन हो जाए वो हार कोई ऐसा ही है का जो देवे तो खोली है बधाई में वो तो बड़े मोल को है ये कह रही है कि लाला कोई कम मोल को है ऐसे इनमें झगड़ा चल रही है बोल चाल चल रही है बाहर हल्ला पहुंचो बाबा बोले काय को हल्ला है कोई दासी ने कही बोले बाबा देखो तो सही घाय कैसी जिद कर रही है कि मैं तो ठीक रहा कि लेग में चंद हार लूंगी जो नंद रानी ने अठमासी के दिन धारण किया बाबा बड़े उदार अत्यंत अत्यंत उदार हो रहे हैं बोले अरे दे दो दे दो बाबा ने तोसा खाना खुलवाए कलम नाम निकसवाए और हार दे दियो बोले और बन जाए वो और बन जाए ऐसे उदार हो के विराजमान यानी तो पट मटक ली और अपने गले में और बोली मैं भी तो कन्हैया की मैया हूं भाई भी तो मैया हो मेरी तरफ से भी तो कन्हैया की न्योछावर होनी चाहिए ऐसे कह के पहले यानी जो हार पहने रखियो अपना वह हार को उतार कन्हैया के ऊपर नौछावर करके खिड़की से जो उछालो वहां पे ठारे भाई ये या नपट लपक लियो है ऐसे सब बधाइए बधाइए कह के आनंद पूर्वक गायन करते भाई डोल रहे गोपी ने परम परम उल्लास गोपी ने अपनी फेंट मार ली नहीं है घूंघट कर ली नहीं नीचे वास्तव में सब गोपी अपूर्व से नृत्य करती भाई विराजमान हो लोक संस्कृति वही नृत्य के माध्यम से अपूर्व से प्रकट हो रही है ब्रजवासनन को नृत्य जामे कभी दही मथुरे की जो भूंगे मारे वास्तु प्रकट करती भाई नृत्य करे कभी नौका खेवे की जो भंग माए वास्तु प्रकट करके ये नृत्य करती भाई विराजमान हो कभी धान कूट रही की जो भंगे माए वापू प्रकट करती भाई धान कूट
जो है अभिनय करती भाई, नृत्य करती भाई विराजमान हो, कभी पनघट सु जल लाए की जो भंगिमाएं वाप प्रकट करें, कभी अंगूठा दिखाए के तो की जो लीला है ब्रजवासी के नृत्य की, वो अंगूठा दिखाए के नृत्य करने की जो लीला है वाप प्रकट करें, कभी लाला को पलना में झुलाए हुए की जो भंगिमाएं वा के द्वारा नृत्य कर रही है, कभी सूर्य चंद्र को दिखा रही है, कभी घूंघट की गत, कभी मयूर मुकुट की गत, कभी वंशी की गत, विभिन्न जो नृत्य की भंगिमाएं उनको प्रकट करते भय आप नृत्य करती भाई अपूर्व रूप से विराजमान। सबने को अपने अपने कामन को छोड़ के चारों ओर से घेर के खड़े हो गए, घेरा बना लियो, गोपी नाचते जाए, गोपी में फूंगे नीचे कर ली ने आज नाचते भय ऐसा लगे जैसे कमर टूट ही जाएगी, ऐसे मुल्क मुरकने के नृत्य करती भाई विराजमान हो रही गोपन उल्लास बोलो लो गोपी जो सुंदर नृत्य कर रही है आप तो रही गए। वो बोले बोले मैं ऐसे आनंद ना आवे जब तक बाबा ना नाचे तब तक आनंद ना आवे। तो एक गोप बाबा के पास में गयो और बोलो बाबा गोपी कैसा सुंदर नृत्य कर रही है, चल तू भी नाच हम भी नाच। बाबा के मन में तो बड़ा उल्लास, परंतु लोग बस लीला मन में विचार करें मैं नाचो और कोई ने बड़े बूढ़े ने टोक दियो देखो कैसो ना दी तो हेरे हो यही लाला भयोगा। तो बाबा बोले तुम्हें कौन ना करे जितना दूध दही माखन उछालो हो खूब उछालो कोई ना करेगा, मैं नाच तो अच्छा लगूंगा। गोप तो लौट के आयो सब गोपन पे बोलो भैया बाबा तो नाचे ना मना करो एक चतुर से गोप बोलो बाबा कैसे ना नाचे मैं तो बाकी बाबा के बाबा ही नचा लोगी मैं जानती। तो बाबा के कान पास में जाए कान में फुसफुसाते हो धीरे तो बोलो बोले बाबा आपको बड़े दादा ने बुलाया हो मैं आंगन में पढ़ाई बाबा ने ऐसा नहीं कोई सलाह सूच करना हो तो जल्दी से बाबा लदर पधर जो आए आनंद में वहां पर उपनंद गोप तो दिखे ना बोले कहां गए वो गोप बोलो बोले बाबा अभी तो यहां ही है मैं बुलाए के ना हूं ऐसा खुद तो सरक दियो और कोई दूसरे गोप है भेजो ये माथे के ऊपर चांदी की कमोरी पूरी घड़ा दूध से भरो गयो लेकर बाबा के पास में आयो बाहनो करके ठिठक के पूरी की पूरी कमोरी बाबा के ऊपर घर करके उल्टी कर दी। बाबा बोले अरे ये क्या करे ये क्या करे ये बोला बाबा दूधन नहा और कुंतन फल अब का है अब बीच में बाबा चारों सबरे गोप आनंद पूर्वक गोप बधाई गाते भय दधकारो करते भय विराजमान हो रहे हैं। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की हाथी दीने घोड़ा दी और दीनी पाल की नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की बोलो नंद के लाला की जय। आनंद पूर्वक सब गोप ऐसे नाच रहे हैं सो गोपा परस्परम हृष्टा दधिक्षीर घृता मोही आसिंचंतियो विलंपंतियो नवनीत चिक्षिपु एक दूसरे के मुख के ऊपर कोई दही मत लगावे कोई माखन मले कोई दूध लुकावे ऐसे दूध दही उछालते भाई वास्तव में दधिमंडल करते भाई सब ब्रजवासी आनंद पूर्वक उन आनंदित भाई है नृत्य कर रहे हैं बाबा भी बीच में नाच रहे हैं। आज ऐसा लगे कि बाबा को ये आनंद नहीं है ये है क्षीर समुद्र बाबा नहीं है मानो सुमेर पर्वत है बाबा ने जो पटका कमर में बांध रखो है बोलिए मानो बासुकी सच सबे सखान ने पटका पकड़ रखो है बाबा कभी दाहिने नाचे कभी बामा फिर कोहरे के नृत्य कर रहे हैं ऐसा लग रहे है जैसे आज देवतान के समूह आज समुद्र मंथन करते भाई विराजमान आज दही सर्वत्र सर्वत्र आनंद बिखर रहे हो पर एक आश्चर्य की बात भाई कि वहां पे समुद्र पहले मत हो गयो चंद्रमा बाद में उदय हो पर यहाँ पे कृष्ण चंद्र को
तो उदय हुई जो पहले और समुद्र मत जा रहे हो बाद में, ये दरिया रह रहे हो बाद में, ये आश्चर्य की बात है। अपूर्व आनंद भगवान ने सबको यथा योग्य बधाई बांटी है। सब बाबा को प्रणाम करें, यथोचित मपूजे रोहिणी च महाभारा नंद गोपालिनंदता। बसदेव जी की 18 पत्नी में श्री रोहिणी जी सबसे ज्यादा भाग्यशालिनी है, जिनने वह नंद महोत्सव लीला को साक्षात दर्शन किया। श्री रोहिणी जी पहले अपने महल में ऊपर से ही झांक झांक के नीचे दधकाली की शोभा को दर्शन कर रही। पुरुषों ने तो बाबा और श्री उपनंद को सब संभालने वाले, परंतु स्त्री में श्री यशोदा जी वे अस्वावर के घर में श्री काम ज्यादा है, आता है श्री बिजराज स्वयं श्री रोहिणी जी के पास में गए और रोहिणी जी से कह रहे हैं कि भाभी इतना बड़ा उत्सव है और आप ऊपर से ही झांक झांक के देखती रहोगी, अरे नीचे चल के संभालो ना और हारो ना। रोहिणी जी तो लगे आ गई, बोले बिजराज आप काय को आए, कोई बाई बाई को भेज देते, मैं तो आ जाती। बाबा कह रहे हैं अब तो पाया में ही आई हो और हारो ना। ऐसे पधराए थे रोहिणी च महाभागा, ये चकार के द्वारा दिखायो रोहिणी के भाग्य को कहा ठिकानो, वास्तव में ये रोहिणी हो कहीं विराजमान। जामे आनंद की खेती बोई जाए वह को नाम है रोहिणी। रोहिणी के लिए कूण हल चले तो जो गड्ढा हो जो कूण बने, जामे बीज बोए हो जाए वह को नाम है रोहिणी। तो आज आनंद की रोहिणी हो के आनंद की अपूर्व खेती या ब्रज में हो रही है, बाकी रोहिणी हो के वाकी उत्पत्ति की स्थान हो के श्री रोहिणी जी वास्तव में विराजमान है। अतः महाभागा इनके भाग्य को काट कानू जो श्री नंद महोत्सव को साक्षात दर्शन करें, दर्शन ही नहीं करें, पहले जो अप्राप्ति कन्हैया है नहीं तब व्याकुलताई उत्कंठा, फिर प्राप्ति हो के जो आनंद भयो और आज प्राप्ति की सिद्धि रूप में श्री श्री रोहिणी जी वापस दर्शन करें। तो अप्राप्ति प्राप्ति सिद्धि और तुष्टि, ये चार जो पक्ष है इनमें तुष्टि को जो पक्ष है वास्तविक और सिद्धि को पक्ष, ये चारों पक्ष श्री रोहिणी जी अपूर्ण रूप से आस्वादन करने वाले हो के विराजमान है। संपूर्ण जो बाल लीला को आगे वर्णन किया जाएगा वो ये तुष्टि कृष्ण प्राप्ति नहीं है तब तक उत्कंठा अप्राप्ति, कृष्ण का जन्म है तो प्राप्ति प्राप्ति हो के नंद महोत्सव हो रहा है वो है तुष्टि, और तुष्टि के बाद में सिद्धि, और सिद्धि के बाद में आगे जो जितनी भी बाल लीला का दर्शन करेंगे वो स्थिति है तुष्टि की। तो वाको श्री सुखदेव जी आगे वर्णन करेंगे वो अपूर्व महोत्सव। ये ब्रज तो सर्व समर्थमान हो एक श्लोक में श्री सुखदेव जी ने श्री विश्वानंद के जन्म की जो लीला है वह को भी संकेत कर दियो कि रोहिणी आज तक आरभ्य नंदस्य विज सर्व समृद्धिमान हरे नवास आत्म गुणई रमा क्रीड मभूंद्र को, ये विश्व सर्व समृद्धिमान हो परंतु श्री हरि के नवास करने के कारण ये ब्रज रमा क्रीड मभूंद्र को, रमा अर्थात श्री राधिका उनको आक्रीड मानी खेलने को स्थान ये ब्रज करो। शास्त्र ने एक मर्यादा स्थापित करी कि वैकुंठ है तो रमा प्रोक्ता जानकी दंडकावनी रुक्मणी द्वारवत्यांत राधा वृंदावनी बनी। यदि श्रीवाची रमावाची शब्द वैकुंठ लीला के प्रकरण में आवे तो वह को अर्थ हो करे महालक्ष्मी, यदि रामलीला में कहूं श्री शब्द आवे तो वह को अर्थ हो श्री जानकी जानकी जी, यदि द्वारका लीला में आवे तो वह को अर्थ हो श्री रुक्मणी जी, परंतु ब्रज लीला में कहूं रमा शब्द श्री शब्द आवे तो वह को अर्थ श्री राधिका ही हो करे, अन्य कोई नहीं हो सके। तो मुक्त प्रग्रह तीसु श्री शब्द रमा शब्द श्री राधिका में ही संगमित हो। सो रमा क्रीड में भूल पाओ, बोलो राधा रानी की जय।
प्रकार की श्री राधिका के श्री विश्वानंदिनी मुकुंदेश्वरी प्रिया जी के लिए तीन प्रकार की भावना विराजमान। कहूं श्री प्रिया लाल जहां मंत्रोपासनामयी लीला विराजमान है वहां सब किशोर जोड़ी नहीं प्रकट भई सुखसार, जन्म कर्म जाके नहीं सहज विहार आहार। सब किशोर जोड़ी हो के विराजमान, कोई बड़ो नहीं कोई छोटो नहीं, क्योंकि नित्य विहार है और नित्य विहार में जुगल भी नित्य विराजमान है, तो कोई बड़ो नहीं कोई छोटो नहीं। एक स्थिति जहां मंत्रोपासना नहीं लीला है उपासना है वहां पे नित्य उपासना नित्य विहार में ये सम किशोर होकर विराजमान। कहूं एक वर्ष बड़ी करके श्री किशोरी को स्मरण कियो गयो कि आज श्री गिरधर आएंगे, अतः पहले एक वर्ष पहले जन्म होकर विराजमान रही, कोई कोई कल्प में एक वर्ष बड़ी होकर विराजमान। अष्टछाप में कोई कवि ने निरूपण किया है कि जहां कुम्भ दास गिरधर आवेंगे पहले पठे रही, कुम्भ दास जी को एक पद है राधे जी शोभा प्रकट भई, वृंदावन गोकुल गलियन में सुख की लता छई, प्रतिपद गोकुल कुंजन में उपजी उमंग नई, उमंग दास गिरधर आवेंगे आगे पठे दई। मन एक वर्ष पहले पढ़ाए ये कम कुंभ भावना से पुष्ट मार्ग में बल्लभ संप्रदाय में कम भावना एक वर्ष बड़ी हुई के विराजमान। उपा में प्रमाण दियो वो श्री गीत गोविंद के बाद श्लोक को अलग तरह से अर्थ किया, बे हे बे रही राधे ग्रम प्राप्त हो, श्री राधे का बलि हो के विराजमान है, नंदा कह रहे हैं इनको ले जा। ये कहूं कहूं ऐसी वा श्लोक का अर्थ या प्रकार से थी, जबकि श्री पुरी दास गोस्वामी जी ने या पर जो अर्थ किया वो श्री सखी के ललता जी के श्री किशोरी जी को परिहास में वचन है और ये कह रहे हैं कि हे श्री राधे के श्याम सुंदर को अब और ज्यादा मान करने की आवश्यकता नहीं है, तुम इनको अपना के विराजमान हो। या अर्थ में कहूं ये अर्थ को कहूं प्रकट के श्री पुरीदास को समझना। तो दूसरी जो भावना रही वो वहां पर श्री किशोरी जी एक वर्ष बड़ी हुई और अन्यत्र श्री संभाग संप्रदाय में श्री रामानुज में सर्वत्र प्रकट लीला में श्री किशोरी जी एक वर्ष छोटी हुए के विराजमान है और श्री राधा जन्मोत्सव पे श्री यशोदा जी भी जब श्याम बालक को गोदी में लेके पढ़ा रहे वास्तव में वंदना में दोनों जुगल सरकार को एक संग शयन करा रहे और वहां पर जब तक मैया पास में रहे तब तक तो दोनों बालक रूप में रहे और जैसे मैया सरके यहाँ पर पन्ना में ही चातुराक्षिक प्रीति हुए के विराजमान, नित्य किशोर हुए के क्रिया करते हुए विराजमान। बोलो लाली लाल की जय। सो रमा क्रीड मधुन को ये ब्रिज रमा श्री राधिका उनको आक्रीड माने खेलने को स्थान हुए के विराजमान। ऐसा 18 श्लोक में श्री सुखदेव जी ने जब नंद महोत्सव लीला को निरूपण किया, श्री बसदेव जी ने नंद बाबा के पास में खबर करवाई कि बाबा आपने बड़ो जोरदार उत्सव किया है, सर्वत्र सर्वत्र याकि ख्याति फैली है, कंस को भी पतों पर चली जाएगा, अतः कंस को आप पहले वार्षिक कर प्रदान कर दो, क्योंकि नीति एक है कि दुर्जनम प्रथमम बंदे सज्जनम तदनंतर, दुर्जन की वंदना पहले कर देनी चाहिए। सो जब कन्हैया 6 दिन के भय छठी को दिन आयो, छठी को उत्सव हो रात्रि को सायंकाल को रात्रि को उत्सव है देर रात को, सो पूरा दिन खाली, सो बाबा छठी के दिन जल्दी ही प्रातः काल ही कंस को वार्षिक कर प्रदान करने के पाए मथुरा पधारे। बलदेव जी ने कहवा दी नहीं कि तुम मोह से मिल लियो मत, मैं अपने आप तुमसे मिलने के पाए आ जाऊंगा। तो श्री बलदेव जी
अंधेरों उजेरों देख के मुंह को देख के बाबा के डेरा पे जो मिलने के ताई आए हैं। नंद बाबा तो उठ के ठारे भये, दोनों भैया आपस में मिले हैं, दोनों दोनों को प्रणाम कर रहे हैं। श्री बसदेव जी कह रहे हैं, बोले बाबा बड़े मंदिर मंगल की बात है कि यात्रा में इतनी अवस्था में 82 वर्ष की अवस्था में आपके यहाँ पे लाला को जन्म दिया। इसके अनेक जो लोकगीत हैं उनमें 82 वर्ष बाबा की अवस्था बताई कृष्ण जन्म की। तो वो अपूर्व उल्लास जो है वो विराजमान है। सुदृष्टिया धराता प्रवेश इदानी अप्रिय स्थिति, अभी तक तुम्हारे कोई संतान ही नहीं, परंतु अब नारायण की कृपा से प्रजा छाया निवृत्त हो। हमको तो हमने तो आशा ही छोड़ दी नहीं कि संतान अब उत्पन्न होगी, परंतु प्रजा यद समय तो तुम्हारे यहाँ पर पुत्र को जन्म भयो बड़े मंगल की बात है, बड़े आनंद की बात है। ब्रज में सब कुशल पूर्वक तो है, भ्रातर मम सुत कश्चित भैया नंद मेरो बेटा बलदाव तुम्हारे ब्रज में कुशल पूर्वक तो है। यहाँ पे मम सुत एक वचन को प्रयोग किया और सुत शब्द को प्रयोग किया, अर्थात हमको केवल जन्म के कारण है, तत्वता उनके माता पिता को तुम ही हो। जो बालक को धर्म अर्थ काम इन त्रिवर्ग की पुष्टि करे वो ही वास्तव में पिता हो, हम तो केवल जन्म के कारण हुए के विराजमान। सुभ्रातर मम सुता वो भी एक वचन को प्रयोग किया, जान रहे हैं जा तो नंद महोत्सव अभी भयो है वो मेरो बेटा नहीं है, वो तो श्री नंद बाबा को ही बेटा है। तो मेरो वो बेटा जा तो मैं केवल जन्म का कारण हूं, पिता तो तुम ही हो। वो अपनी मैया के संग में ब्रज में कुशल पूर्वक तो है, पातम भवंतम मंदाना वो तो तुमको ही पाप करके माने। नंदबाबा बोले बसदेव जी सुनो, देवकी के 6 पुत्र को कंस ने नष्ट कर दिए, पीछे एक बालक उत्पन्न भयो, एक कन्या उत्पन्न भई, सुनी वो कन्या भी स्वर्ग में चली गई, यानी भाग्य वो ही एकमात्र कारण है। ईश्वर की इच्छा दैव की इच्छा के आगे कोई को बस नहीं चले, ऐसे बाबा बसदेव जी को समझाए रही। श्री बसदेव जी बोले बोले बाबा अब आपको यहाँ पर रहने की आवश्यकता नहीं है, कंस की बुद्धि ठीक ठिकाने नहीं है, बस काम हो गयो जल्दी सुहाओ आप निकट जाओ, कंस के ध्यान में मत आओ, बेलगर आओगे निर्भर में तो फिर कंस के मन में दूसरी दूसरी बातें भी कहीं उत्पन्न हो सके। देवकी को जो वो कहूं चोट फेंक नहीं करे, अतः तुम यहां से निकट जाओ, ऐसे मन में विचार जब कही बाबा मन में विचार कर रहे हैं कि बसदेव जी ने ऐसे वचन क्यों कही, हमारे यहाँ पे बसदेव कोई योगेश्वर ही होकर उत्पन्न थी, क्यों जी ब्रज में कोई आपत्ति आएगा। बोले हाँ कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, कंस के द्वारा बाल घातनी पूतना वापु ब्रज में भेजी हुई, ये आकाश मार्ग सु बकी को रूप धारण करके जो आई है, बबली को रूप धारण करके मन में विचार करे या रूपसु तो मैं नंद भवन में प्रवेश कर नहीं सकूंगी, तो यानी अपनी आसुरी माया के द्वारा बड़ो सुंदर देवांगना सभी को वेश धारण कर दियो। ताकेश मंद विक्षिप्त मल्लिकाम वहन नितम वस्तन कृच्छ मध्यमाम परम सुंदर यापो श्रीअंग अंग यष्टि सुंदर पीतांबर की साड़ियां ने धारण करी है, कान में कुंडल न्यारे हल रहे हैं, मन मुस्कान कटाक्षंसु इतोत देखती भई मनो हरंती बनताम ब्रजोकसाम, जितने भी ब्रजवासी जन ब्रजवासिनी उनके भी मन को हरण करती भई, ये जो हाथ में कमल को घुमाती भई नंद भवन में द्वार पर पहुंची, कोई ने ये समझी कि श्री आई, कोई ने ये समझी है कि रति आई है, कोई ने ये समझी है कि आज उमा ही चली आ रही है, कोई ने भी आपको टोको नहीं है, गोपी के यूथ के संग मिलके जो नंद भवन में पहुंची, श्याम सुंदर ने तो अपने नेत्र पट बंद कर लिए, क्योंकि नेत्र बंद क्यों कर लिए,
मन में मानो आप विचार कर रहे हैं, चरा चरात्मा सन्मीलते क्षण, चरा चरात्मा है, आप नेत्र बंद करके विराजमान हैं। नेत्र बंद क्यों करें? सबसे पहले यह राक्षसी को ही दर्शन करना पड़ेगा, नेत्र बंद कर दिए। अथवा चरा चरात्मा सन्मीलते क्षण कहकर विचार कर रहे हैं कि पूतना आई तो है धाय को रूप धारण करके, पांच स्तन में कालकूट विष लगाए के आई है, जो मारने को विचार करके आ रहे वह कौन सी गति देनी चाहे। अथवा हम विचार कर रहे हैं कि ये पूतना आई है, जाके स्तन को मैं पान करूं कि जाके स्तन को शिवजी को पान कराए दूं, मुख करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसे आप विचार करते हुए विराजमान ही विमर्श कर रहे हैं कि याकू कौन का प्रकाश हूं मैं, याकू भगवान आपने नेत्र यो बंद कर लिए कि कहूं आंख सो आंख मिली और मेरे ऐश्वर्य को पहचान गई तो कैसी हुई। सो नेत्र बंद कर लिए कहूं मेरे हृदय में दया उत्पन्न नहीं हो जाए, सो नेत्र बंद कर लीजिए। पूछना तो अपने रूप के बल पे आय भरी, कोई ने भी आपको टोकी है नहीं, यशोदा जी ने भी आपको टोकी नहीं, ये तो यशोदा से बोली कि अरे यशोदा तो फिर बालक राखो नाया आवे, ऐसा सुंदर बालक ये को का शैया पे सुहाय नायक का, ये तो गोदी में उठाए हुए नायक है। तो ऐसे कहे अक करी न धक्क, बालक को पट गोदी में उठाए लियो, उछाले लपके बुरी बुरी गोपी के हैं, अरे करे कहा है छह दिन को बालक, अभी हसली उतर जाए हाथ पांव उतर जाए तो कैसी होगी। ये कह रही है बहू जी, और चिंता करने की जरूरत ही ना है, जब तक लाला मेरी गोदी में लाला को बार बापो हो वालों ना। यशोदा से बोली, बोली अरे यशोदा तो अगर बालक राखो ना आवे, जाने कब को दूध पिवाए हो, देख बालक के और कैसे पकड़ाए रही है। सो आ बेटा आ, मेरो दूध पी, मेरो दूध ऐसो जो बालक पी है वो चैन की नींद सोए। तो जिन स्तन में काल कालकूट विष लग रहे हो वह स्तन कुंड का, यानी जो श्री कृष्ण को पान कराए हुए आपने, तो जाके स्तन दान को ही सेवा मान ली आपने, जो जाके स्तन को मुख में लेके पान करना चाहो, अब यशोदा के दूध की सुगंध और पूतना के दूध की सुगंध एक सी थोड़ी है, और बालक को सुगंध और स्वाद दोनों बहुत अच्छी तरह पहचान है। मैं बालक को प्रवाह के देखो तो सही ठीक करू तुरंत अटैचते हो, सो ये तो बहुत अच्छी तरह से जान है। सो मैया जैसे दूध का स्वाद तो है ना, परंतु भूखे हैं, सो दूध तो पियेंगे ही, सो जो चुस्का लगाए गुस्सा आ गई है, सो प्राणी समन रोष समन्वितो पिबन, प्राणी के संग में क्रोध युक्त हो गए आपने चुस्का लगाए हो, क्रोध युक्त होकर क्यों चुस्का लगा रहे हैं। बोले बड़े बूढ़े गोप का होता है कि गुस्सा में खाए पियो अंग ना लगे, यद्यपि स्तन में कालकूट विष लगाए के आई है पक्के ग्वालिया, ग्वालिया जैसे गाय के गैया के थन को धोए के पोंछ के निचोड़ के सहराए के एक आध धार पहले धरती में डाल दे, फिर जब शुद्ध दूध आने लगे वाकु दोहनी में काट दे, ऐसे ही श्री कृष्ण ने पूतना के स्तन जो है उनको गाढ़ाम कराभ्याम भगवान प्रतीक के तक अपने हाथों से पोंछो सहरायो, फिर दूध थोड़ा सा निकास के और फिर प्राणी समन रोष समन्वितों पे वर रोष युक्त होकर पियो, पक्के द्वारियां हैं धार काटना अच्छी तरह से जान है, काई गैया की धार कैसे काली जाए। सो रोष समन्वित होकर जो दुग्ध पान कर रहे हैं मानो विचार कर रहे हैं कि क्रोध में खाए पियो अन्न नहीं लगे, विष को यद्य पूछ दी और परंतु विष के कहूं अणु परमाणु रह गए हो तो फिर असर ना करेंगे, क्रोध से युक्त होकर पान कर। अथवा रोष समन्वित को केवल कह के का दिखाओ कि रोष के देवता है भगवान रुद्र, भगवान रुद्र बोले बोले नहीं नरेश, ये कृष्ण स्वरूप विषपान करने का स्वरूप नहीं है, कालकूट विष पीने को तो अधिकार स्वरूप मेरो है, मैं सेवक जब उपस्थित हूं तो आपको
कई कालकुट विश्वान करूंगा का आप पान नहीं करोगे ये मैं पान करूं ऐसे कहकर के विश्विश तो पान कर लियो है भगवान सदाशिव ने। और जो अमृत अमृत है वहां पर श्री कृष्ण पान करते भाई विराजमान हो रहे हैं। सो रोष संबंधित होते रोष युक्त हो के आपने जो दुग्ध को पान किया पूतना के पंच प्राण भी संग में खेच दी ने पूतना तो चीख जोशु कि अरे काकरे आंख बाहर में कसी आई है आंख आंसू उमड़े आए या को तो भीतर जो राक्षसी रूप हो वो वास्तविक रूप बाहर सामने प्रकट हो गयो हाथ पामन को पछिंती भाई ये तो बालक को संग में लेके वास्तव में भागी। सो कमर आते आंगन आंगन ते ओसाम ओसाम ते ज्योही ज्योही ते आकाश में जो उड़ी है कन्हैया को लेके मथुरा की तरफ भागना चाह रही इतने में ही भाग नहीं सकी कृष्ण के भार के कारण ये ब्रज की सीमा पे कंस को छह कोस को एक बगीचा वहां में आ करती भाई धम्म गिरी इतना बड़ो आप शरीर के वाह बगीचा में एक पत्ता ना बचे हुए चूड़िया मास राजेंद्र महान आदित पदक गुतम कन्हैया के तो फुर्सत भी ना लगी और पूतना धम्म देती मर के वह बगीचा में गिरी पूरे बगीचा पर सत्यानाश कर दिया। बुरी बुरी गोपी प्राण छोड़ के कन्हैया की रक्षा करने के टाइम पीछे भाग रही है भयंकर पूतना के वह शरीर को दर्शन कर रही है पूतना की झूठला पकड़ के या कि छाती के ऊपर चढ़ गई बालक को तो पट उठाए लियो और पूतना के लगाई एक लात कि अरे विपूति तू हमारे यहाँ बिल्ली में कहां पे आए ऐसे कहे बालक को लाल यशोदा जी की गोदी में जब प्रदान किया यशोदा जी को जैसे नए प्राण प्राप्त हो गए हो सभी कह रही है बोले यशोदा चिंता करने की जरूरत ना आए कन्हैया की रक्षा लाला की रक्षा मैं कर दू मैं टोटका जाऊं मैं अभी टोटका कर दू कन्हैया के नजर उतार दू यशोदा जी कोई तो नाय नाय कर रही है मन में विचार करें मैं जाने कौन को टोटका काम कर जाए वो बाकी हाथ पे हथों ना सो कन्हैया खेचे वो बाकी हाथ पे हथों ना सो कन्हैया को खेचे आज कन्हैया हाथ हाथ घूमते घूमते ही डोल रहे है भैया कोई को भी नाय नाय कर रही है जब सब गोपी ने अपनी अपनी तरफ पे कन्हैया की रक्षा कर दी नहीं सब सुपीछ है यशोदा जी बोली मैं भी तो अपने लाला की रक्षा कर दू श्री यशोदा तो श्रवत स्मार्थ सब कर्मण्य परम निष्णात परम विदुषी हो के विराजमान अंगन्यास कर्मन्यास करके वास्तव में बालक की ये रक्षा करती भाई विराजमान भाई महिमा तुम माना ही देवाधीरेण वर्धते महिमा से युक्त हो के जितने भी देवता हैं वे अधिक प्रभावशाली हो के विराजमान हो तो आज मैया आनंद पूर्वक अंगन्यास कर्मन्यास करके कन्हैया की रक्षा करते भय विराजमान भई है कन्हैया के नाम मंत्र के द्वारा कन्हैया की ही रक्षा करें जैसे महादेव पार्वती के ब्याह में गणेश जी की पूजा ऐसे कन्हैया के नाम के द्वारा कन्हैया की ही रक्षा यहाँ पे करी जा रही है कि अव्याज अजो निर्मलमान स्तव जान मथोरू बेटा अरे भगवान तेरे चरणन की रक्षा करें मलमान भगवान तेरी जंघान की यज्ञ भगवान उरुण की अच्युत भगवान कटी की हैग्रीव भगवान जठर की केशव भगवान हृदय की ईश भगवान तेरे बक्षस्थल की इन भगवान कंठ की विष्णु भगवान तेरी भुजान की उर्क्रम भगवान तेरे मुख की ईश्वर भगवान तेरे माथे की रक्षा कर शंख चक्र गदा पद्म ये सब रक्षा करते हुए विराजमान हो क्रीडंतम पात गोविंद शयानम पात माधव जब तू खेले तो गोविंद भगवान तेरी रक्षा करें शयन करे माधव भगवान तेरी रक्षा करें कोतरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मात्र का उन्मार अपस्मार देह प्राण इंद्रियन के जितने भी रोग स्वप्न में देखे गए सब अक्षकुल सवन की रक्षा करने वाले एकमात्र हैं जगन मंगल हरिनाम संकीर्तन बोलो हरिनाम संकीर्तन की सर्वे नश्यन्तु ते विष्णो
नामक ग्रहण भी रवा। श्री विष्णु के नामक ग्रहण करने से धीर भयभीत हो के ये सब के सब धारण लियाए तेरी रक्षा। श्री सुखदेव जी कहे राधे कर दर्शन, ये प्रीति कहूं कहूं प्राप्त हो सकेगा। जो सबकी रक्षा करने वाला सबको कारण और आज मैया वहां की रक्षा करते हुए विराजमान, ऐसी जो ऐश्वर्य की ग्रहण से रहित शुद्ध राग चंद्रमा वहां की कांति और कहूं दूसरी जगह प्रकाशित नहीं हो सके जैसी प्रकाशित यहां पे हो रही है या ब्रज में हो रही है। कृष्ण के ऐश्वर्य को ब्रज गोपिकागण ने अपनी आंखों के सामने दर्शन किया कि कन्हैया ने सूचना को मारी सबके सामने, परंतु कोई भी कृष्ण के पाए नहीं लग रही है, कृष्ण को ईश्वर नहीं समझ रही है, सब यही समझ रही है न जाने का कारण बाबा इतना दान कर रहे हैं, कोई ब्राह्मण के आशीर्वाद उनके कारण से बचियो पूछना मर गई कन्हैया ने मारी, ऐसे विचार कोई के मन में भी नहीं। कहूं ना कहूं कारणांतर की योजना करके कि बाबा के दान को प्रभाव है, ब्राह्मण के आशीर्वाद को प्रभाव है, नारायण की कोई कृपा है, पूछना की अपना ही मौत आ गई होगी, कोई दूसरे कारण से पूछना मर गई, कोई ना कोई अन्य कारण की योजना कर रहे हैं। ब्रजवास कन्हैया ने पूछना कुमारी ये विचार इन ब्रजवासियों में नहीं है। नहीं भोले ब्रजवासी मन में विचार करें कि ये विषैली पूतना और कहूं चली पछैया और ये दोबारा जी उठी तो कैसी होगी, तो पूतना के शरीर को कोधारांत काटो और अलग अलग चपा बना है या मैं आंच लगा दी कि कहूं ये दोबारा जी ना आ जा कि शरीर को अगर शरीर की सुगंध निकली है। शुभदेव जी कैमुक्त न्याय द्वारा श्री कृष्ण की कृपालुता को वर्णन कर रहे हैं कि पूतना लोक बालक नहीं राक्षसी रुद्रासना जिघान से आप हरे परम दत्व आप सदगत के नाम है पूतना, काम है संसार के बालकन को मारना, जात है राक्षसी, खान पान है बालकन के रक्त को पान करना, मन के भाव भी शुद्ध नहीं है, जिघान से मारने को विचार करके आई, अपी अपी शब्द के द्वारा दिखाया कितने सबने दोष है, परंतु श्री कृष्ण की महिमा को कानूपण किया जाए कि जाने केवल स्तन दान मात्र किया दुग्ध पान बासन शुरू कराना ये आपको तात्पर्य नहीं है, परंतु श्री कृष्ण ने वास्तव दान को ही सेवा मान ली या तो सदगति प्रदान करी है धातोचित गति प्रदान करी, धाय तो नहीं बनाई परंतु धायन जैसो सारूप्य मुक्ति पूतना को प्रदान कर दी, धायन जैसो रूप प्रदान कर दियो, अर्थात श्रीमद गोलोक के बहिर्मंडल में ऐश्वर्य में जो मंडल है वहां में पूतना को केवल सारूप्य प्रदान करके पार्श्व देह प्रदान करके अवस्थित कर दी नहीं सेवा सुख नहीं दी। सेवा सुख तो मिलेगा यदि प्रेम मई सेवा करेगो तो सेवा सुख मिलेगा, जहां मार्ग को विचार करके आएगा वहां पे मुक्ति तो मिल जाएगी सेवा सुख नहीं मिलेगा। सो आज जननी गति को प्राप्त किया या तो धान्य के साथ स्वर्गम अवाप जननी गति, स्वर्ग माने ऐश्वर्य में श्रीमत गोलोक में जननी गतिम जननी के बेज मात्र को धारण करके पूतना विराजमान भाई धाय बनना था कोई मामूली बात है का धाय तो दो है वो जाने दासी नरस के को हृदय में धारण करके कहीं रारानुरा उपासना करी होगी वो धाय बन के विराजमान, श्री यशोदा को अमृत ग्रहण करके जो विराजमान हुई वो धाय बन सके वास्तव भाव में कोई दूसरा नहीं बन सके। कैमुक्त के द्वारा दिखाते कि किम पुनः श्रद्धा सत्या फिर श्रद्धा भक्ति पूर्वक जो कृष्ण की आराधना करेंगे ओम कृष्णाय परमात्मा ने इन ब्रजवासियों को का कहना जिनके चित्त को कृष्ण ने आकर्षित कर रखो है श्री कृष्ण जिनके परम आत्मा माने परम प्रिय हो के विराजमान, आत्मा शब्द प्रिय को वाचक है आत्म में वही कामाय सर्वम प्रियम भवती जो छांदोग्य उपनिषद के जो उपनिषद के जो वचन है उन उपनिषद के वचन के बृहदारण्यक उपनिषद के वचन के द्वारा यहाँ पे
आत्मा शब्द प्री प्रेमास्पद को वाचक हो के विराजमान। सो आज ये ब्रिजवासी श्री कृष्ण को ही परम आत्मा करके माने, माने परम प्यारे करके माने, ऐसे उन ब्रिजवासी के भाग्य को कहा निरूपण की हो। रक्ता तन मातुरो यथा किम गावो न मातर है, आगे कह रहे गैयान के और मातान के भाग्य को कहा वर्णन की हो जाए। यशोदा की वर्णन तो कर ही नहीं सके महिमा को, पहले गैयान की महिमा को तो वर्णन कर दें, जिन गैयान को कृष्ण अपनी माता समझे, फिर गैया पशु है उनसे भी बढ़कर कौन है, बोले उनसे भी बढ़कर गांव की वे बड़ी बूढ़ी बात्सल्य में एक पड़ोसन स्त्री जो कृष्ण के प्रति बाल्य भाव रखे बात्सल्य भाव रखे उनको भाग, उनसे भी बढ़कर नंद भवन की दासी, दासी से भी बढ़कर नंद भवन की घाय, घाय से भी बढ़कर श्री रोहिणी जी उनके भाग्य को तो कह नहीं कहा। फिर यशोदा की बात तो कोई कर ही नहीं सके, तो बहुवचन को प्रयोग करते हुए कहे हो कि वो गावो नु मातर, गैया और गैया के बारे में मातर जो माता है उनकी महिमा को कहा निरूपण किया जाए। श्री गोपाल नंद बाबा को बड़ा भारी आश्चर्य है, बाबा एकदम घबराए गए, कन्हैया के पास में आए, कन्हैया गोदी में जो लियो नारायण की शरणागति ग्रहण करें कि जब नारायण नत्वम दत्तो उसे कृपणाए में तेने सर्वान निर्मोढ़ा सोढ़ा च मम दुर्दय। बेटा जब नारायण ने कृपा करके तू प्रदान की हो तो नारायण ही हमारी सारी अज्ञान को दूर करके तेरी रक्षा करते हुए सर्वदा सर्वदा विराजमान होंगे, हमारे अपराध को श्री नारायण ही क्षमा करके विराजमान होंगे। ऐसे श्री बाबा शरणागत ग्रहण कर रहे हैं, ये पूतना मोक्ष के चरित्र को जो श्रवण करेंगे उनको गोविंद चरणारविंद में अपनी तो रति की प्राप्ति होगी। माने कृष्ण सुवि बढ़के कृष्ण कथा है, पूजना को तो मिली केवल सारूप्य मुक्ति, पर पूजना मोक्ष की जो कथा श्रवण करेंगे उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति सुवि बढ़के प्रेम सेवा गोविंद में लगते रतिन रति की प्राप्ति होगी। या तो मतलब ये है कि कृष्ण उतने कृपालु नहीं है, कृष्ण की अपेक्षा कृष्ण नाम ज्यादा कृपालु है। बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय, गोविंद ने उनको उनको अपूर्ण रति की प्राप्ति हुई। श्री राजा ने प्रश्न किए कि मारे ठाकुर के और बाल्य चरित्र को आप मेरे सामने वर्णन करें। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं जासर में कन्हैया 3 महीना के भाई यशोदा जी ने दूध पिवाए आपको शैया पे सवाए, आपने मैया के देखते देखते करवट बदली। यशोदा जी तो दौड़ी दौड़ी रोहिणी जी के पास में गई और हाथ पकड़ के खींच के लाई, बोले रोहिणी रोहिणी मेरी आंखों के सामने लाला ने अभी अभी करवट बदली। यशोदा जी बोले हे ऐसा ना टोक है बालक के बढ़ने तू, अरे बालक है आज करवट बदली है कल उल्टो हो गो फिर आगे खिसकेगो फिर घुटमन चलेगो फिर पायन पापा पैया चलेगो, बालक के बढ़ने को ऐसे टोके थोड़ी है। बोले ना मेरे नारा ने पहली बार करोट ली नहीं है, मैं तो छप करूंगी। बोले तुम्हारी राजी सो सबने ब्रिज में नौ को भेजो, आज कन्हैया की जन्मदिन को नक्षत्र है, सो नक्षत्र वालों जन्मदिन भी है और कन्हैया की करोटनी को भी बुलाए। सभी ब्रिज गोपकागण आ रही है, मैया ने कन्हैया को चकार सुनो अभिषेचन विशेष अभिषेक करायो, मंत्र के द्वारा कन्हैया को अभिषेक करायो, नित्य मंत्र से अभिषेक नहीं हो बात्सल्य में, परंतु विशेष अवसर आए बात्सल्य में पुरोहित को बुलाए के फिर कन्हैया को समुद्र ज्येष्ठा सदस्य मध्या वो जो पुराण वैद मंत्र है उन मंत्र के द्वारा अभिषेक करायो। बालक जागरण नहाए, बालन बापू शरीर हल्को अनुभव करे नींद आने लगे, तो बालक को नींद आंख में देख के यशोदा मन में विचार कर रही है कि यहाँ पे तो 4 गोपी आम है पतो तो लगे नहीं है, कौन पूतना है और कौन अपनी गोपी है।
सो तू बहुत छिपाए के रखना चाहिए चाहिए। सो कन्हैया को मैया ने गारा के नीचे एक बड़ा सुंदर रत्न जैसे पलना शुद्ध करवायो, वहां को अभिवासन कर कन्हैया को पलना में जो शयन कराए चारों सभी गोपिकागण विराजमान है, आप जैसे हाथ ऊंचे करके चरण जुड़े उनको चलाते भाई किलकारी भरते भाई पन्ना में खेल रहे हैं, सभी गोपिकागण कह रही है लालन जानगे जानगे ब्रज युवती हृदय कनकना कनका चला रोहम उत्सुकम तब चरण युग्म, तुम्हारे चरण युग्म जो है वो चरण युग्म आज गोपिकागण के वक्षस्थल रूपी पर्वतन पर आरोहण करने को मानो अभी जो अभ्यास कर रहे ऐसे आप चरण चलाते हुए जब विराजमान हो रहे हैं वहां पे भी जो मधुर भाव व मधुर भाव का दर्शन करते हुए विराजमान हो रहे हैं, ऐसे अपूर्व रूप से शोभा करते हुए विराजमान हो रहे। यशोदा जी गोपी को स्वागत करने में भीतर गई, किसको श्याम सुंदर मन में विचार करें कि वो मैया मेरी ब्रजवासी से मोह को अलग रखना चाहे, मेरा नाम कृष्ण ही नहीं जो यहां सब ब्रजवासी को नाम बुलाए दू, ऐसे कह के श्री कृष्ण ने चरण चलानो रुदन करना प्रारंभ किया। शुक्र जी कह रहे हैं हम गवाही दे रहे हैं नैवाश्रोतम सुपस्य सा, यशोदा ने मैया के रुदन को सुनो में सुनती तब को हजार काम छोड़ के मैया कभी रह नहीं सके दौड़ के कन्हैया के पास में आती, मैया ने सुनो नहीं। श्री कृष्ण ने रुदन प्रारंभ किया, इसको शकट नाम करके असुर व गारा में जाके नीचे वो पन्ना लगो भयो व गारा में भीतर प्रवेश कर गयो और जो गारा को नीचे दबान लगो आपने मारी जो चरण की ठोकर सो बड़ो भारी गारा आप करते भाई घम उल्टो गिरोए वहां में रखे भाई तेल के घी के शहद के पुप्पाएं सब बिखर गए, मानो आप जगत को ये दिखाने कि यदि मेरे चरण को आश्रय ग्रहण किया गया तो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये पंच परवा अविद्या अपने आप ही खंडित हो जाएगी, ये संसार शकट अपने आप ही चूर्ण हो जाएगा, ये जगत को आप जैसे दिखाते हुए विराजमान हो रहे हैं। जो गारा पलटो सब ब्रजवासी दौड़े कि हर गारा कैसे पलट गयो, ये तो बढ़िया निमित्त नहीं है, व्याकुल हो रहे हैं। ब्राह्मण बोले बोले बाबा गारा पलटना अच्छी बात तो ना हो, तू यज्ञ कर। सब ब्रजवासी ने वास्तव में यज्ञ की और कन्हैया की रक्षा की पाई, यज्ञ जो है वो यज्ञ करते भाई विराजमान भाई। बाबा कह रहे हैं कि हे ब्राह्मणों तुमने जो आशीर्वाद दिए नते सत्यशीलानां आशीषो विफलाकृता, आप सत्यशील ब्राह्मण के द्वारा जो आशीर्वाद दिए जाए वे कभी भी विफल नहीं हो, आज तुम्हारे आशीर्वाद से लाला बच गया, कन्हैया में कोई दम नहीं, जो बची हुई दम है ब्राह्मण के आशीर्वाद के दम के कारण कन्हैया बचो, कन्हैया में गारा नहीं पलता ब्राह्मण के आशीर्वाद में गारा पलता, बाबा तो यही मान रहे, यही है प्रेम की अपूर्णता। श्री बाबा ब्राह्मण को खूब दक्षिणा दें, हमारे बाबा कहने ब्रिज में कभी आपत्ति आवे तो ब्रिजवासी ब्राह्मण को रोजगार हो जाए, फिर इनको खूब दक्षिणा मिल रही है, इनको आनंद मिल रहा है। जैसे गारा पलते हो ऐसे कन्हैया भी पड़े। श्री सुखदेव जी को वो लीला याद आएगी, बोले कन्हैया जब एक वर्ष के भय वास्तव श्री यशोदा जी कन्हैया को गोदी में लेके बेर में मुख चुम्बन कर रही है लाल लगा रही है, कन्हैया मैया को दूध पी चुके, मैया कह रही है कन्हैया तुम दूध कछुना है पीनो तू तो यूं ही खेल कर रहे हो, सो कन्हैया को मुख पहुंच कंधे से लगाए नेक हलाए, कन्हैया जाते हुए में दूध नीचे दकाल ले ली नहीं कन्हैया ने, बासरे में मैया कन्हैया को लेके उछाल रही है, जो मुख चुम्बन करे आ करके मुइयां फाड़ के मैया के प्रेम को
उत्तर देते भाई विराजमान मैया की गोदी में उमग रहे हैं, बोले मैया मुख ऊंचो छान, मैया नेत्र ऊंचो छाले, मानो कह रहे हो ऊंचो ओ ऊंचो मैया उछाले गैर धरी के कन्हैया को लग के। लीला शक्ति बोली, बोले महाराज ज्यादा ही उछलना चाह रहे हो तो ये त्रणावर्त का दिन काम में आएगा, तो उस मार्ग से त्रणावर्त जा रहे हो तो लीला शक्ति ने त्रणावर्त को बुला लियो। तो खर खर फर फर पवन चलने लगी, मुहूर्त मात्र में संपूर्ण गोष्ठ रजसु आवृत हो के रजसु युक्त हो गयो। लीला शक्ति ने मन में विचार कियो कि प्रेमावेश प्रभु नाही निजान संधान, इच्छा जाने लीला शक्ति करे समाधान, श्री प्रभु को प्रेमावेश में अपना अनुसंधान है नहीं। तो श्री कृष्ण के श्री अंग में लीला शक्ति ने एक आये बड़ो भारी भार उत्पन्न कर दियो। भैया मन में विचार करे हार जरूर कोई न कोई अलाय बनाए कन्हैया में घुस गई, आए नहीं तो कितनो हल्को बालक फूल जरी को उछाल रही गोदी में ले रही, और बालक में इतनो वजन कैसे है जो कि मैं बालक को साधना ही सकती रही हूं। हाय मेरे बालक के ऊपर एक आपत्ति आई, मन में अत्यंत व्याकुल हो गए, मैया गोदी में कन्हैया को नहीं ले सकी, धम्म देती बैठाए चिंतापुर हो गए, मैया दौड़ के गई है नारायण के मंदिर में जो प्रार्थना करने के ताई प्रणाम करने के ताई इस उत्तरावत कन्हैया को उड़ाए के ले चलो। आप जाके गणेश लटक रहे जैसे कोई इंद्र मणि को कठला लटक रहे हो ऐसे जाके गले में लटक रहे हैं। श्री त्रावत कन्हैया को दूर तक उड़ाए के नहीं ले जाए, श्री कृष्ण को ये दुष्ट दूर तक उड़ाए के नहीं ले जा सको है, केवल ब्रज के नीचे ही नीचे चक्कर लगा रहे हो। आप भी मन में विचार करें कि ऐसा बढ़िया वाहन हमको कहाँ मिलेगा, आगे करनी है हमको माखन चोरी, पतो तो लग जाए कौन सी गली कौन से चौराहे का खुले पहले से पतो लग जाए। त्रावत के जब भार के कारण एकदम थक गयो और जो नीचे आन लगो बाबा की गौशाला के ऊपर एक चक्कर लगा रहे हो, ये कह रहे हो कि अरे बालक मुख छोड़ दे छोड़ दे, आप तो हूं करें मानो कहें कि मेरो नाम है कृष्ण, कहें तो मैं कोई को पकड़ू ही नहीं और जाकू पकड़ लो और बाकी छोड़ो और मैंने कभी जानो ही ना। त्रावण कह रहे हो अरे बालक छोड़ दे, जो कृष्ण नीचे झांक के देखो एकदम ओल सी दिखी, अब बालक को गोदी में ना लोगे तो वो तो डरे भाई, सो आप तो झिझक दे और डर के आप त्रणावर्त को करो जो कस के पकड़ो, श्वास रुक गई है आ तो करते हुए त्रणावर्त गौशाला में एक बड़ी भारी पटिया रखी भाई, जाके ऊपर बाबा गोदोहन करके नित्य अपने चरणों को प्रक्षालन करें, सो बाबा के पाद प्रक्षालन की वासना के ऊपर त्रणावर्त जो गिरो सो खील खील हो गई, झटका जो लगो या के गणेश कृष्ण छूट गए और उछल के जो गिरे सोए वृंदावन की भूमि में सुंदर स्थल कमल उत्पन्न कर लियो, वाके ऊपर आए के पट टिक गए आपके नेक खुसर भी नहीं लगी। सबने गोप दौड़े कन्हैया को उठाए नंद बाबा की गोदी में दियो, बाबा तो एकदम आनंदित हो गए जैसे प्राण आए गए हो। सब ब्रजवासी नंद बाबा से कह रहे बोले बाबा दुष्ट अपनी दुष्टता को स्वयं मानो मारोगे, हिंसा स्वपापेन व्यंसता खलह साधु समत्वेन भयान विमुच्यते, दुष्ट अपनी दुष्टता से मारो जाए साधु अपनी समता के कारण भय से विमुक्त हो जाए, तेरे पुण्य पाप को प्रभाव है, कन्हैया में कोई दम नहीं है, तेरे पुण्य पाप को प्रभाव है तो लाला बच गयो, ऐसे सब बाबा की प्रशंसा करते हुए विराजमान हो रहे हैं। श्री यशोदा जी एक दिन कन्हैया को गोदी में लेके दुग्ध पान कराए लेंगे, मनी मन में विचार करती जाए या ब्रज में इतनी गोपी है, कोई के आठ है कोई के दस है कोई के चार है, मेरे एक को लाला है और जब से पैदा भयो तब से आके ऊपर हाय कैसी कैसी आपत्ति आ रही है, हे नारायण कोई तरह से मेरा लाला
पल जाए, हाथ पांव पहन जाए। ऐसे भैया जो विचार कर रही है, जो माया शक्ति वास्तव में मानो भैया से कह रही है कि भैया तू तो जबरदस्ती सूख रही है चिंता में। अरे तेरा बालक कोई सामान्य थोड़ी है, तेरा बालक तो साक्षात ईश्वर है। योग माया शक्ति मन में विचार कर रही है, मैया को कैसे समझाया जाए कि तेरा बालक कोई सामान्य बालक नहीं है। संयोग की बात यह भाई कि 22 समय में कन्हैया ने जम्हाई ली, और जम्हाई लेने की एक स्थिति यह है कि जासवे में जम्हाई ली जाए या प्राणायाम किया जाए, बासवे में सोच